Hi viewers, in this video we will cover question number 4 and 5. So let's see question number 4 here. In question number 4, the paint in certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensional can be painted out this container? यानी container है, उस container में paint है और जो जी जो उसका जो एरिया है वो कितने के इक्वल है, 9.375 सफिशियंट है नहीं, यानी कंटेनर में इतना पेंट है ये मानकर चलो, और हमें ब्रिक्स की यानी ईंट की डायमेंशन गिविन है यहाँ पर, तो हमें ये बताना है कि कितनी ईंटों पर ये जो पेंट है वो हो सकता है, इजेंट इट? सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ हाउ टू सॉल्व. तो TSCO 1 ब्रिक का क्या फॉर्मूला राइट कर दिया हमने, TSCO ब्रिक्स इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट. अब यहाँ पर वी कैन पुट द वैल्यू, तो L की वैल्यू वी हैव 22.5, B की वैल्यू वी हैव 10, सिमिलरली B की वैल्यू 10 एंड H की वैल्यू वी हैव हेयर 7.5 प्लस H की वैल्यू क्या है हमारी 7.5 एंड द वैल्यू ऑफ L वी हैव 22.5. अब देखिए इसकी जब हम मल्टीपल करेंगे इनसाइड तो हमें क्या गेट हो गया, यहाँ पर गेट हो गया 22, ये ज़ीरो के बाद पॉइंट लग गया यानी 225 गेट हो गया, ऐसे यहाँ पर 75.0 हो जाएगा. और जब इसकी मल्टीपल करेंगे हम तो क्या आएगा, इसकी मल्टीपल करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 168.75. ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम डायरेक्टली, यहाँ पर कर सकते हैं मल्टीप्लाई. अब आफ्टर एडिंग इसको ऐड कर लो, ऐड कैसे होगा, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा. देखिए ये हो गया आपका ऐड करने पर, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया राइट करके 751675 इक्वल्स टू, सबको ऐड कर दिया, ऐड करना तो आता सभी से, ये हो गया 46875 आपका ऐड करने पर आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 46875, इजंट इट? अब जब हम इसकी मल्टीपल करेंगे, देखिए यहाँ पर 25 जा 10, क्लियर, 27 जा 14, 5 हो जाएगा, फिर 16 1 17 और ये हो गया 3, 12 1 3 और ये हो गया आपका 8 और 1 9. तो हमने कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 3 के बाद पॉइंट लगाना है, क्लियर. तो 3 के बाद अगर हम पॉइंट लगा, 2 के बाद पॉइंट अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो हमने को यहाँ पर यहाँ लगाना, तो ये हमारा क्या आ गया, ज़ीरो हटा सकते हैं हम, 9375.7² आ गया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम अभी तक? अब मुझे एक बात बताओ आप, बहुत सिंपल सी बात है, हमें कन्वर्ट काय में करना है इसको, ये देखिए ये आपका किस में था, मीटर स्क्वायर में और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो एक सीधी सी बात आपने पढ़ी है प्रीवियस क्लास में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्लियर. तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 100 मल्टीपल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही गेट होगा हमें, 1 के स्क्वायर से थोड़े फ़र्क पड़ेगा, इट्स मेक नो डिफरेंट. तो अब यहाँ पर देखिए हमें तो सेंटीमीटर में लाना है इसको, तो 1 ओवर 100 मल्टीपल 100 इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये इसके दोनों अपोन में चले गए. तो इसको हमने किससे डिवाइड करना है, इसको हमने 100 मल्टीपल 100 से डिवाइड करना. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या गेट होगा हमें, देखिए 4 लास्ट से काउंट करके 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, तो हमें गेट हो जाएगा 0, ये तो 3 नंबर है पॉइंट से पहले, तो एक 0 लगा देंगे अपने पास से हम,
0.09375 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या गेट हो गया, हमें गेट हो गया ये वन ब्रिक्स का एरिया हमें गेट हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको कि बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को चाहे वॉल्यूम हो या टीएसए हो डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू, क्या करेंगे बताओ, इसका कंटेनर का वो टीएसए, कंटेनर का तो टीएसए है तो यहाँ लिख देंगे टीएसए तो कहलाएगा भाई ये द पेंट इज कंटेनर सफिशियंट टू इक्वल एरिया ही तो है, ये इसका एरिया ही तो है टीएसए ऑफ कंटेनर, कंटेनर ले लिया हमने ठीक है, अपॉन टीएसए ऑफ वन ब्रिक्स, टीएसए ऑफ वन ब्रिक्स के टीएसए से इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि जितना इसका वो होगा टीएसए उतने ही तो पेंट आएगा इसमें, तो डिवाइड करके हमें क्या मिल गया यहाँ पर, वी विल गेट हेयर। देखिए इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, 9.375 मीटर स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, 9.75 मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारी वन ब्रिक के वॉल्यूम की टीएसए की, 0.09375। सेम वैल्यू है भाई, सेम वैल्यू है, पर पॉइंट का डिफरेंट है। तो ये पॉइंट देखिए, ये तीन नंबर हैं यहाँ पर, यहाँ कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हट जाएगा पॉइंट और दो ज़ीरो हमें इसके मिल जाएंगे, दो ज़ीरो मिल जाएंगे, क्लियर। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 100 आ गए नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे, इजंट इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, वी हैव ए क्यूबिकल बॉक्स हैज इच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनादर क्यूबाइडल बॉक्स है हमारा, उसकी 3 डायमेंशन होती, ये 3 डायमेंशन गिविन है हमें, इजंट इट। तो हमें वी हैव 2 पार्ट इन दिस क्वेश्चन, सो वी विल डू फर्स्ट पार्ट फर्स्टली। सो फर्स्ट, इन फर्स्ट पार्ट वी कैन से विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और कितना है, ये मैंने अंडरलाइन कर दी सारी चीज़ें। तो देखिए हमने क्या किया, 2 बॉक्स ले लिए, एक हमने ड्रॉ कर दिया क्यूबिकल और एक क्यूबाइडल बॉक्स हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसमें जो है इसकी सारी साइड इक्वल होती, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट, और इसकी सारी साइड डिफरेंट होती, यानी एल बी एच, ये एल है, ये बी है, ये एच है। तो पहले हमने लेटरल सरफेस या एरिया ग्रेटर दिखाना कि किसका है, तो दोनों का हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हेयर एल एस ऑफ क्यूबिकल बॉक्स एंड वी नो वेरी वेल 4a square हमने यहाँ पर राइट कर दिया, 4 multiple a square की 10 का स्क्वायर 100, सो 400 वी हैव गॉट हेयर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम क्यूबाइडियल बॉक्स पे बात कर रहे हैं, तो हमें l कितना गिविन है, वी हैव 12.5 ठीक, b कितना गिविन है 10, और लास्ट वन वी हैव एच कितना गिविन है 8 सेंटीमीटर, क्लियर। कोई प्रॉब्लम वाली बात अभी तक, चलिए तो एल एस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, एल एस ए ऑफ क्यूबाइडल क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। भाई फैमिलियर हो फॉर्मूले से, कई बहुत बार लगा चुके हो
चलिए वैल्यू पुट कीजिए, टू ब्रैकेट एल की वैल्यू वी हैव 12.5 इजंट इट, और बी की वैल्यू वी हैव हेयर 10 और एच की वैल्यू वी हैव 8 हेयर। अब देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसमें हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना। पहले तो इसकी 16 से मल्टीपल हो गई भाई, इसकी इससे मल्टीपल कर दी 16 आ गया। अब इसकी 22.5 से जब मल्टीपल करेंगे हम तो क्या गेट होगा हमें बताओ। 22.5 से यहाँ पर मल्टीपल कर लेता हमें, 22 पॉइंट को तो छोड़ दो, 0 5 13 5 2 2, अब बच्चों की तरह मल्टीपल कर रहा हूँ मैं, देखो 0 0 6 और 3, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। मेरा मुझे गेट हो गया यहाँ पर 3 6 0 0, लेकिन 1 के बाद पॉइंट है तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, तो फाइनली 360 स्क्वायर हो गया। अब मुझे ये बता दो आप, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, किसका ग्रेटर है? वेरी गुड, क्यूबिकल बॉक्स का क्या ग्रेटर है? एलएस से ग्रेटर है वीकेंड से, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं सो क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर एरिया, ठीक है, एंड बाय कितना, बाय के लिए हम क्या करेंगे, 400 में से 360 को माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, क्यूबिकल बॉक्स है ग्रेटर और कितना, 40 में से हमने, सो क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर एलएसए एरिया, नहीं एलएसए राइट करना है हमें यहाँ पर, हैज़ ग्रेटर एलएसए और बाय कितना, बाय यहाँ लगा दो, ये इसके बाद यहाँ राइट कर दिया, 40 ग्रेटर है। सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, इसमें सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, नाउ वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट, सो वी कैन सी क्या डिफरेंट है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। इसमें हमें विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, फर्स्ट पार्ट में ग्रेटर बताना था और क्या बताना था, ग्रेटर एलएसए बताना था कि किसका एलएसए ग्रेटर है, इजंट इट, और इसमें वी नीड टू फाइंड आउट किसका टीएसए ग्रेटर है और हाउ मच, नहीं किसका टीएसए स्मॉलर है और हाउ मच, इजंट इट। तो टीएसए की बात है तो टीएसए का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वी हैव 6a² Isn't it? 6 आ गया यहाँ पर, 6 आ गया तो 600 सेमी स्क्वायर आ गया, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम सो टेल मी, जल्दी बता दो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, फटाफट हरी अप, ओके नहीं है तो चलिए आगे चलिए फिर। अब देखिए इसका TSA ले लो, TSA बर लिख दूं, चलो क्यूब आइडियल लिख दिया मैंने, क्या होगा, टू ब्रैकेट एल बी प्लस एच एल प्लस टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एल बी एच प्लस एच एल, क्लियर, वैल्यू पुट करनी है, करो वैल्यू पुट। देखिए इसकी वैल्यू वी हैव 12.5 मल्टीपल 10, इसमें से देख कर रख दो या ऊपर से रख दो, बी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू एट, एल की वैल्यू 12.5, क्लियर। तो अब नाउ मल्टीपल करो, टू ब्रैकेट 105, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 80 हो गया,
ठीक, इसकी करो 8 5 जा 40, ये आ गया जी 100 आ गया इसका। ठीक है, अरे इसकी मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है चलो आ गया। तो अब देखिए इसको ऐड करिए, बताओ ऐड करके क्या आया, जल्दी ऐड करो फटाफट, ऐड करके बताओ मुझे क्या वैल्यू गेट हो गई ऐड करने के बाद। ऐड करने के बाद क्या वैल्यू गेट हो गई? अच्छा चलो यहाँ कर लो फिर 125 80 और 100 ऐड करो 503, 503 तो मुझे मिल गया 305 मिल गया, और जब मैंने इसकी मल्टीपल की 2 से तो मुझे 610 मिल गया। क्या मिल गया? 610 क्या मिल गया? इसका TSA मिल गया। किसका? क्यूब आई डी एल का, क्यूब आई डल का मुझे TSA मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, स्मॉलर बताना था तो यहाँ पर लिख दो बस 100। कौन सा स्मॉलर है? क्यूबिकल कल बॉक्स हैज स्मॉलर TSA इजंट इट, एंड बाय कितना? इसमें से माइनस कर दो बड़े में से स्मॉलर को, कितना मिल गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गेट हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहो तो यू कैन मेक द डायग्राम ड्यूरिंग, मतलब क्वेश्चन करते हुए जब क्वेश्चन को फेयर में करो तो ये डायग्राम बनाना चाहो बना लो। और ये तो डायग्राम जो इनसे ना डाउट क्लियर हो जाते हैं सारे डायग्राम से। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 5th। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।